प्रीता का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि निधि ने करवाया है। वह ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की गाड़ी या फिर हो सकता है करण की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो प्रीता का, क्योंकि प्री कैब कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि निधि ने करवाया है। फिर आप देखेंगे कि कैसे प्रीता जो है वो मंदिर में जा रही होती है और इसी के साथ ही साथ सृष्टि भी यहाँ होती है, और तभी निधि जो है वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही होती है और निधि पूरी तरीके से प्रीता को मारने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से प्रीता बच जाती है और हल्की सी गाड़ी हाथ छूकर निकल जाती है। ये देखकर यहाँ पर सृष्टि बहुत परेशान हो जाती है। सृष्टि को समझ नहीं आता कि आखिर क्यों जो है बार बार प्रीता के साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद वो यहाँ पर घर पहुँच कर डिस्कस करती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है जो कि इस तरह से परेशान कर रहा है और कौन है दुश्मन, क्योंकि और तो किसी को पता नहीं है। इवन लूथरा फैमिली भी प्रीता के बारे में नहीं जानती है, लेकिन अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निधि है। ये बात उसके दिमाग में आ जाएगी और वो यहाँ पर इस बात को सोचती नजर आएगी। इसी के साथ साथ सृष्टि को अपनी पुरानी चीजें याद आएंगी। आपको बता दें कि इधर शौर्य जो है वो भी काफ़ी हैरान परेशान नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काव्या भी ये बात बोलती है कि शौर्य मुझे सब कुछ पता है और पलकी को भी सब कुछ पता है, राजवीर को भी सब कुछ पता है, लेकिन हम सब ने तुम्हारे को लेकर कुछ भी गलत नहीं बोला है। जिसके बाद यहाँ पर जो शौर्य है वो बहुत परेशान हो जाता है और निधि से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मॉम कि आप कर क्या रही हो। जिसके बाद यहाँ निधि कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर शौर्य जो है वो निधि की बात समझ नहीं पाता और थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करता है और पूछता है कि क्या हुआ मॉम, ऐसी कौन सी चीज़ आप करने जा रही हो। जिसके बाद यहाँ पर निधि कहती है कि तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। और फिर यहाँ पर निधि के इरादे जो हैं वो साफ दिखते हैं और निधि निकल पड़ती है गाड़ी लेकर। वो प्रीता का पीछा करती है और फिर यहाँ पर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर सृष्टि जो है वो प्रीता को बचा लेती है। इसी के साथ साथ प्रीता जो है ये साफ साफ सृष्टि को बोल चुकी है कि अब जो है तुम्हें बाहर नहीं निकलना होगा, आप हमारे साथ ही निकलोगे, क्योंकि उसे पूरी तरीके से निधि पर शक हो चुका है। वो समझ चुकी है कि अगर प्रीता को मारने के बारे में कोई सोच सकता है तो वो निधि है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो शख्स है उसने देख लिया था कि निधि मारने की कोशिश कर रही थी। उसने धमकी दी कि मैं जो है जाकर करण लूथरा को बता दूंगा कि जिसे वो ढूंढ रहे थे उसे आपने मारने की कोशिश की। और फिर यहाँ पर निधि की हालत खराब हो जाती है और निधि उस आदमी को ये काम दे देती है, साथ ही पैसे भी दे देती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर प्रीता का एक्सीडेंट ये इंसान करने वाला है और इसी के साथ ही साथ अब प्रीता और करण को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर यही चीज़ जो निधि ने की है, निधि की ये जो साजिश है, उसी के तहत कुछ तो ऐसा होगा जिससे प्रीता और करण मिल जाएंगे यहीं पर हॉस्पिटल में। क्योंकि यहाँ पर जब करण ने देखा है कि प्रीता का एक्सीडेंट हो गया है और सृष्टि को भी उसने देख लिया है, तो यहाँ पर अब वो पीछा करते हुए जाने वाला है हॉस्पिटल तक। और देखना होगा कि सृष्टि अब करण को क्या कुछ बताने वाली है और ये जो हरकत जिसने की है उसका भी नाम लेने वाली है, यानी कि निधि का नाम भी सृष्टि लेने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि करण किस तरह से निधि को बाहर करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म भी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।